एसी में बैठेंगे हम, ठीक है। मेरी कौन बनाएगा एंट्री वाली? क्या बोल रहा है? रुक जाओ में बैठेंगे। चलो अभी मजा आने वाला भाई, मजा आने वाला। भैया हेलमेट जैसे यहाँ रख जाए। चलो 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 चलो। तो गाइस अंदर आ चुके हैं सर हम रोपवे पे। रोपवे में अंदर आ चुके हैं। अभी हमारी डोर्स लॉक हो चुके हैं। शीशे वगैरह भी है। चलो शीशे चढ़ाए जा रहे हैं। ऊपर से गिर ना जाए, छलांग ना मारे। मुझे डर लग रहा है। फर्स्ट टाइम है यार, देखते कैसा रहता है एक्सपीरियंस। अरे यार कम कर दे। अरे यार कर लेंगे अपन, अपनी कर की कहती है भाई। चल चुकी है अभी रैली। डर लग रहा है अभी। हवाओं की वादियों में, वादियों की ऊंचाइयों में, ऊंचाई के आसमानों नहीं, हवाओं में। हाँ जो भी है यार, हम है अभी हवाओं में भाई साहब नीचे। तो गाइस आप देख सकते हैं नीचे आपको कुछ दिखाना है। भाई साहब ओह माय गॉड। अरे अभिषेक के घर नीचे जा। ओह माय गॉड। अबे ये तो बहुत नजदीक लग रहा है यार। हां गाइस ये टूट जाए मजा आ जाए। तो छेद तो नहीं है गिरने की सर, पता नहीं। अरे कैमरा लग रहा है ऐसे, तो सिक्योरिटी वगैरह सब देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओह ये क्या लग रखा है इसमें? ऐसे कैमरे भी लगा रखे बट भाई क्या। अरे नीचे दिखाना। हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही होगा। मुझे आप ये बताओ, अगर यहाँ पर गिर जाते हैं तो बच सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। नहीं अगर जैसे पकड़ ले। नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई आपको मजा आ रहा है? ऐसा ऐसा चल रहा है कि यहाँ से गिर गए तो खत्म हो सकते हैं। एक फोटो ले लो मेरी। वो है आपने सदा ऐसी बात नहीं। वो रोक दी। ओह माय गॉड अबे मैं रोक दी। भाई भाई पागल है क्या? क्यों रोक दी यार? डर लग रहा है मेरे को। क्यों रोक दी यार? अरे गाइस हम बीच में रुक चुके हैं। अबे सच में ही रोक दी और चिल्ला क्यों रहे हैं इतना? ये देखो ये लोग बहुत चिल्ला रहे भाई। अरे हमारे इधर यार ये झूल रहा है यार। ये तार देखो आप कितना मतलब मोटा कितना है भाई। यार देखो कहीं तो अपनी जगह से हट गया। इधर से मंदिर दिख रहा है आपको। भाई लिफ्ट रुक चुकी है भाई। सच में लिटरली बहुत ज्यादा डर लग रहा है मेरे को। लिटरली सच में फट रही है क्योंकि इन्होंने ना एक जगह ओए ओए हिलाओ मत इसको। अबे चलती 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 भाई सांस में सांस आ गई यार। ये फिर रोकी क्यों इन्होंने? हनुमान जी यहाँ से दिख रहे हैं। पूरा क्लियर गाइस बहुत मजा आ रहा है। मनाली वाली फील आ रही है भाई, सच बता रहा हूँ। मनाली वाली फील आ रही है ठीक है गाइस। आपको उड़न खटोला में ला चुके हैं हम। एक मिनट के लिए बीच में रुक सकती है ऐसे बोला गया? अरे यार इस पे लिख रहा है यार फोटोग्राफी के लिए एक मिनट के लिए रुक सकती है। बट एक मिनट रुकी, हमको पता नहीं था यार कि फोटोग्राफी के लिए रुकी है। किस लिए रुकी है हमको नहीं पता था सच में। हमने तो पहले ही खींच ली फोटोग्राफी के लिए रुकी थी भाई। यहाँ से देखो भाई बैंगन। हमने तो भाई पहले स्टार्ट कर दिया था, चालू हुआ था यहाँ से पहले स्टार्ट कर दिया था। ट्रेन जा रही है ट्रेन। हेलो गाइस भाई नीचे देखो क्या यार
भाई कुछ भी नहीं है नीचे। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं माता रानी के मंदिर, ट्रेन पटरी तो आओ चलो बाहर चलते हैं। भाई ठीक है गाइस पहुंच चुके हैं अभी हम। तब तक आप ब्लॉग को लाइक कर देना ठीक है, लेट्स गो। देखो गाइस भीड़ है, ये लाइन में लगना पड़ेगा हमको तब तक हमारा नंबर आएगा ठीक है। बहुत लंबी लाइन है। मारो राजस्थान है ओ गाइस, मारो राजस्थान, मारो राजस्थान गाइस, मारो राजस्थान। चलो अभी दर्शन करते हैं माता रानी के। इसके सुविधा है यस ऑब्वियसली, यहाँ से प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। ये मेन सुविधा दे रखी है, हाँ इधर ऊपर मेन सुविधा दे रखी है ठीक है सही है। चलो क्या नहीं ऊपर भी जा, अरे पहले दर्शन तो कर लो, अरे दर्शन, अरे कहाँ जा रहे हो यार ऊपर कहाँ जा रहे हो यार, दर्शन करने चलो। भाई मजा आ गया वैसे, तो वादियों में तो आना, पहाड़ों में आना पड़ेगा मेरी जान। हाँ मेरी जान चढ़ो पर रहा हूँ, तो वो बैंड ले भाई इसने। गाइस पहुंच गए हम ऊपर, तो अभी दर्शन कर लेते हैं फिर आपको मिलते हैं। चलो सेंड करना है गाइस, यहाँ पर फोटो शूट चल रहा है, हम भी करेंगे अभी। हवाओं की वादियों में, हवाओं के आसमानों की वादियों में, और यहाँ से देखो यार ये नीचे भाई बहुत तगड़ा एरिया है, पूरा नीचे पूरा जयपुर दिख रहा है भाई यहाँ से। देखो एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ कैसी थी, कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस, एकदम बढ़िया। बताओ झाड़ो पर रहे वही सर्दी तो सच में, क्योंकि हम आसमानों में अभी दर्शन कर लिए माता रानी के, अभी चलो प्रस्थान करते हैं यहाँ से, क्योंकि नीचे लाइन में भी लगना है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है भाई वो ट्रॉली वाली, तो उसमें भी लगना है। चलो इधर भी कुछ है ऊपर चलते हैं इधर। अच्छा चलो तो गाइस यहाँ से पूरे जयपुर का पूरा एंगल दिखेगा भाई, पूरा अद्भुत अद्भुत चमत्कार। किसने बनाया ये मुजस्सिमा, किसने बनाया ये मुजस्सिमा, इस कारीगर को हम 50 लाख नहीं 5 रुपए देंगे। गाइस अंधेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा भाई देखो, और भाई मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया लिटरली, बहुत ज़्यादा सुकून वाली जगह है यहाँ पे। एंड ये भी एक्सपीरियंस कर लिया हमने भाई, मनाली क्यों जाएं हम, हमारे राजस्थान में ही अवेलेबल है ये। हाँ भाई हाँ पता है वो कटला वाली वैष्णो देवी माता है ना, वहाँ भी ऐसी है ट्रॉलीज, वो भी पहाड़ों पे ही है ना इसलिए ये पहाड़। जय माता रानी की गाइस, जय माता रानी की, जय हो वैष्णो देवी माते। चलो गाइस अभी चलते हैं ट्रॉली की लाइन में लगते हैं भाई, कितनी देर में नंबर आएगा कोई पता नहीं है भाई ठीक है, ट्रॉली की लाइन में लगेंगे और चलते हैं। 79 अच्छा यार, यार ये तो हमको पता ही नहीं था यार वन वे रास्ता भी, वन वे का भी मिलता है। ये तो चार दिया यार हम चले चल जाते, सही तो है 79 कहां से जाता, हां तो सही तो है 79 सीढ़ी से जाने का है ना रास्ता, सीढ़ियों से जाने जाने का भी रास्ता था बट हम ठीक है इसी से जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। ये रही अपनी चील गाड़ी, इसी में चलेंगे अभी ठीक है। अरे बनाया किसने यार, कितना बड़ा है सुदर्शन चक्र, यही आएगा अभिषेक।
ताऊ जी बीच में आ गए। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर में पूरी सेफ्टी के साथ। बाहर तो लाइट देखते आ चुके हैं। सही सलामत पहुंच तो गए। आपका हेलमेट आधे घंटे खोला ही नहीं निकलेंगे तो उधर से ही हम तो। चलो गाइस अभी चलते हैं, दर्शन करके आ चुके हैं ऊपर। अभी तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा हो चुका है। दर्शन कर लिए पूरे, अभी निकलते हैं यहाँ से एग्जिट। अच्छा इधर से ठीक है, चलो यहाँ से एग्जिट है, एग्जिट लेते हैं फिर चलते हैं। अभी थोड़ा सा इनको बर्थडे की पार्टी और चाहिए मेरे की तो इनको पार्टी दे देते हैं पहले, फिर घर के निकलते हैं। इधर पे है लेट्स गो। जो अभी गए थे वो नई वाली थी एंड ये वाली पुरानी वाली है। पहले शायद इससे जाया करते थे ऊपर, अभी नई वाली वो है। सही है यार, है ना, ये वाली पुरानी वाली है, ये वाली इधर से है शायद ये है ना? नहीं नहीं ये नहीं है यार, और नई वाली वहाँ पे लगाई गई है। अभी वो जो चूल गिरी है उस पर वर्थ इट था, टिकट वर्थ इट था, 158 का 1% था बट वर्थ इट था भाई, मजा आ गया। मस्त दर्शन भी हो गए माता रानी के, फुल मजा आ गया यार ये तो जा नहीं रहे थे यार नहीं नहीं 158 में हम नहीं जाएंगे बट मजा आ गया यार सच में, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत मजा आया यार। एक बताओ सुनो, सपोज करो आपको कोई चीज बोला हो, अभी आपने दुबई में सुना, दुबई का जो बुर्ज खलीफा है मैं सपोज करवा रहा हूँ, उसने आपने सुना कि 100 रुपए के अंदर आओ खाओ पियो और वहाँ जाके पड़ेगी 100 रुपए का 1 लाख है तो यहाँ पे तो फिर आप आपको कैसा एक बार झटका नहीं लगेगा क्या? लगेगा नहीं लगेगा? अभी ये कॉस्ट था 50, आप बता रहे थे 50 ठीक है, 100 ज्यादा था ठीक है। अगर उस जगह के जगह पे अगर मैं ऐसा अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छी वो कर रहा हूँ और किसी ने बताया 100 रुपए में इतना इतना हो रहा है और 1 लाख लगेंगे, तो भाई एक बार एक्सपीरियंस तो लूंगा मैं, चाहे वो 1 लाख ही खर्च हो भाई, सच बात है। आई नो बट फैक्ट है, 50 रुपए की थी पहले तो आपने ये 150 कब कर दिया? एक्सपीरियंस यार लेना होता है ना किसी चीज का यार, चाहे वो महंगा हो कितना। तो सही कहा ना मैंने गाइस, हर एक चीज का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अभी हम इतना अफोर्ड कर सकते थे अपन 150, इसलिए अपन ने किया ठीक है, जहाँ पे अपन अफोर्ड नहीं कर सकते उसमें नहीं जाएंगे, सिंपल। आप लोग ब्लॉग को लाइक करो चलो। फाइनली हम घर के लिए निकल चुके, प्रस्थान कर चुके, तो अभी बीच में रास्ते में कही पार्टी वार्टी लेने वाले मेरे से बर्थडे की, तो उनको पार्टी देते हैं फिर घर चलेंगे अपन ठीक है। गाइस देखिए रास्ता बड़ा प्यारा है यार, इसको बोलते हैं सिसोदिया का बाग। गाइस अभी हम जहाँ पे पार्टी करने आए हैं वो एरिया ये है, ये कैफे है, तो इसमें आए पार्टी करने, तो चलो चलते अंदर। आई एम कमिंग आज ये बोला जा रहा है, आज सरकार ना कटेगा, चलो देखते हैं। अरे स्विमिंग पूल भी है क्या? सही है यार, आग चला के यहाँ आग जला के यहाँ बैठेंगे इधर एरिया में, आग जला के यहाँ बैठेंगे, चिल मूड। अरे स्विमिंग पूल भी है, वाह। तो ऊपर चले क्या? ऊपर गाइस रूफ टॉप है ये, चल। अरे ठंड वैसी है यार, अंदर ही बैठ लेते प्लीज ओपन द डोर फॉर मी, थैंक यू। आ चुके हैं मेरे को, एक्चुअली बर्थडे की पार्टी चाहिए थी इनको, तो चलो ले लेते हैं। जिस रेस्टोरेंट में आए, जिस
रेस्टोरेंट में भाई, रेस्टोरेंट का लाजवाब है लोग, पूरे रेस्टोरेंट का भाई एक नंबर है। कुछ हमने ऑर्डर किया अभी तो सिनेमेटिक गाइस, यहाँ भी खाना पीना हो चुका है, पूरी खाली प्लेट रखी है, एक खा रहा है हमारा। क्या हो गया? अच्छा अच्छा गाइस, हम थोड़ा ऊपर चलते हैं टहलने, क्योंकि यहाँ पर रूफ टॉप भी है ये रेस्टोरेंट है, खाना वाना खा के चलो मैं टहलते हैं ऊपर। लेट्स गो गाइस। क्या हो रहा है? अच्छा ये सही है यार, आज देखो पूरे में रेत रेत लगाई हुई है, ये लाइट्स। ये है झूला, चिकन फ्राई के जो लड़कियां लड़के होते हैं ना, मतलब हर किसी से बोल लेते हैं, जैसे मंडी जी बोल रही थी ना वैसे हर किसी बोल रहा फ्रेंड जैसे। तो गाइस ठंडी बहुत लग रही है, अभी चलते हैं घर पे, बैठते हैं सिक करके लड़के, बैठते घर पे चलते हैं भाई, ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है, यहाँ पे लाइट है मस्त। और ये है कैफे द बी बी ब्रो, नाइस। तो गाइस हम घर पे पहुंच चुके हैं, ऐसी की तैसी होगी भाई ठंड में। तो यार आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर देना, एंड ब्लॉग पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, और आपको मज़ा आया नहीं है ब्लॉग में बताना, आया या नहीं आया होगा यार, मस्त मस्त ब्लॉग था भाई, बस ठंड में ऐसी की तैसी होगी। और भाई जो भी जयपुर से हो देख रहे हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना ये ट्रॉली में बैठे या नहीं, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, ये नहीं गई कभी भी, इसको भी लेके जाएंगे कभी, फिर से चलेंगे। तो कमेंट करके बताना यार कौन कौन जा चुका है खोलेगा हनुमान जी, एंड वो ट्रॉली में भी बैठ चुका है, कौन कौन बैठ चुके हैं कमेंट करना जयपुर के बंदो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तक तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एवरीवन, जय श्री राम। बाय, मोए तो काट दी।